हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, जिस अभी सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त पुरुषोत्तम मास चालू है, तो इसकी कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण एवं चेतादि 12 मास के सभी के स्वामी हो हैं, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं है। अतः अधिक मास में समस्त कार्य, देव कार्य, पितृ कार्य वर्जित माने गए हैं। अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक तथा पौराणिक कहानी कही गई है। तो वही कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि इस मास का कोई स्वामी नहीं था, तो इस कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्रीहरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुखड़ा रोया। भक्तवत्सल श्रीहरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्राद्ध भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसे कई गुना पुण्य मिलेंगे। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मलमास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही थी मलमास की कहानी, किस तरीके से मलमास एक पुरुषोत्तम मास में बदला गया। आप लोगों को ये कहानी मेरी कैसी लगी? और थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर आपको कोई इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।